क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। ऑप्शन नंबर बी, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। ए क्या है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। कोरोना वायरस जो है एक वायरस का बड़ा परिवार, एक बड़ी फैमिली है। ऑप्शन नंबर बी है, ये नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। कोरोना वायरस जो है नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है जो 2019 के नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। रोग का नया नाम क्या है? घोषणा कब की है WHO ने नए नाम की? 11 फरवरी 2020 को। ऑप्शन नंबर ए कोविड-19, को N19, कौन V20, कौन VID-19। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोविड-19। तो ये WHO ने नया नाम जो है अनाउंस किया है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। नोवल कोरोना वायरस के मामले, पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? पहला मामला कहाँ मिला था? वुहान में, हुबई। हुबई, वुहान या वुहान और हुबई में मिला था पहला मामला, चीन में है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, कहाँ पे नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला या मैं पहले मामले की पहचान हुई थी? वुहान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी ए MERS, बी SARS, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो ए और न ही बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए और बी दोनों है। MERS और SARS, मैर्स और श्राफ, ये दोनों बीमारियों से संबंधित है कोरोना वायरस। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं? ऑप्शन नंबर ए बुखार, ऑप्शन नंबर बी खांसी, सी सांस की तकलीफ, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बुखार किसके अंतर्गत होता है? खांसी इसके अंतर्गत चलती है, नोवल कोरोना वायरस के अंतर्गत। और इम्पोर्टेंट बात है, सांस लेने में तकलीफ होती है और काफ़ी जो है यूनिक सा इसमें क्या है, ये एक सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? किस राज्य ने राजकीय आपदा घोषित कर दिया है कोरोना वायरस को? तो ऑप्शन नंबर सी केरल, गुजरात, चेन्नई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केरल राज्य ने, भारत के केरल राज्य ने कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित कर दिया और WHO ने तो महामारी इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट सेवन। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO के द्वारा कुल कितनी राशि दी गई, दान दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 612 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी $400 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी $500 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी $675 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 675, $675 मिलियन राशि, धनराशि दान की गई है WHO के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन करेंगे क्वेश्चन एट। ADB ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है कोरोना वायरस के लिए? ऑप्शन नंबर ए $2 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी $4 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी $7 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी $8 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, $2 मिलियन जो है की धनराशि की मंजूरी दी है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। $2 मिलियन इन द सेंस $20 लाख, $1 मिलियन में होता है 10 लाख,
2 मिलियन 20 लाख अमेरिकी डॉलर को डॉलर की जो धनराशि है इसकी मंजूरी दी है कोरोना वायरस के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी लिवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये फेफड़े को सर्वाधिक जो है प्रभावित करता है, कोरोना वायरस फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पर कई जो है बच्चे लीवर जो है आंसर कर रहे हैं, आंसर लीवर नहीं होगा, लीवर जो होता है यकृत होता है, फेफड़े लंग्स फेफड़ों को जो है वो करता है अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली लैटिन भाषा से, काफी हाईलाइट हो चुका है अभी। ऑप्शन नंबर सी लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस शब्द। नेक्स्ट है कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई है? ऑप्शन नंबर सी ए चीन के वुहान शहर से, जापान के वुहान शहर से, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया कुआलालंपुर शहर से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में फैले कोरोना वायरस को WHO के द्वारा नाम दिया गया था, WHO ने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में? ऑप्शन नंबर ए 2019 एनसी वायरस, 2020 क्रो, 2019 एनको, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी ये नाम दिया था WHO ने 2019 एनको या फिर 2019 एनको NCOV, तो ये नाम दिया था स्टार्टिंग WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? ऑप्शन नंबर ए उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन नंबर बी उनके पत्ती जैसे अनुमानों के कारण, ऑप्शन नंबर सी ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उनके ताज जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें, अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें, ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले, ऑप्शन नंबर डी हर घंटे के बाद अपने हाथ धोए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो स्किप हो गया था। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर, अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, तो कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? कैसा दिखता है कोरोना वायरस अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो? ऑप्शन नंबर ए रिंग अंगूठी के आकार के समान, ऑप्शन नंबर बी क्राउन ताज के आकार के समान, ऑप्शन नंबर सी मछली के आकार के समान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये दिखता है क्राउन मुकुट या ताज के समान, इसकी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम कोरोना से पड़ा है ताज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।